थैंक यू माँ। माँ बहुत छोटा शब्द है लेकिन मतलब उतना ही बड़ा। एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी खुशी को सेक्रीफाइस कर देती है। माँ आपने हम बच्चों को जो कुछ सिखाया है ना, हम उसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। माँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा आपको इतना ही प्यार करती रहूंगी मरते दम तक। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। क्योंकि आप ही की वजह से लवली जी हैं और आप ही की वजह से लवली जी का हाथ हमारे हाथ में है। और हम जानते हैं माँ, अगर आपका आशीर्वाद बना रहेगा ना तो लवली जी और हमारा साथ भी जिंदगी भर बना रहेगा। बाप रे, आप दोनों मेरी भाभी के बारे में इतना सब कुछ सोचते हो? भाभी आज बच्चों ने तो रुला दिया राम जी की कृपा से, पर एक बात सच बोलूं, आप जितनी भी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है भाभी। एक भाई तो अपनी बहन को प्यार करता ही, लेकिन भाभी आप जैसे ना हो ना तो वो बहन उस घर को अपना घर नहीं मान सकती। नौटंकी, अगर आप नहीं होती तो मैं बंटी को लेके। अरे दीदी, भाभी लेमन सोडा जिंजर पॉप, मेरी मामी ऑलवेज रॉक। भाई मेरी मामी इज द बेस्ट। तो अब मेरी बारी। माँ याद है आपको बचपन में जब मैं चिढ़ते हुए गुस्सा करते हुए आपसे कहती रहती थी कि मेरा नाम डॉली क्यों रखा है, सब लोग मुझे स्कूल में छेड़ते हैं, तब आप मुझसे कहती थी माँ कि मैं आपकी डॉल हूँ। पता है माँ, मैं हर जन्म में बस आपकी डॉल बन के रहना चाहती हूँ। आई लव यू माँ। Thank you.
क्या कहे तुझसे माँ, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आई लव यू। भाई बात सच है कि तू है तो हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है। बचपन से तूने जो ये प्यार फिक्र जो तूने हम हमारी तरफ दिखाया ना, जो तूने हमें बचपन से जो सींचा है तूने, उसी की वजह से आज हम बच पाए हैं। वरना कब के हमारी जड़ें जो हैं इस घर से उखड़ जाती, कब के इस घर को छोड़ के चले जाते हम। तेरी वजह से आज हम इस घर में हैं। देख, माँ बाप तो सिखाते ही हैं प्यार फिक्र, तूने सिखाया इज्जत करना। हाँ माँ, तूने हमें बचा के रखा अपनी छत्र छाया में। जब भी हम कोई गलती करते थे तो तू हमें डांटती नहीं थी, सिखाती थी, बताती थी, समझाती थी। तूने ही तो सिखाया है माँ कि हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। तो बस वही तो कर रहे हैं, मुस्कान की इज्जत कर रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं। मुस्कान भी तुझसे कुछ कहना चाहती है। अरे शर्माओ मत, आओ ना। जैसे हमारे मन में बहुत कुछ है जो हम तुझसे कहना चाहते हैं, ये भी कहना चाहती है। ये लो, पकड़ो। बोल दो माँ को आज, जो मन में है सब बोल दो। अरे माँ का दिल बहुत बड़ा है। कहते हैं कि भगवान हर जगह पहुंच नहीं पाते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। बिल्कुल सही कहते हैं। माँ जिनके लिए उसके बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। माँ जिनके सामने सब कुछ पूरा हो जाता है, कुछ भी कोई भी काम अधूरा नहीं रहता, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरी लाइफ पहले से ही बिल्कुल इनकम्प्लीट अधूरी सी रही है। जिस माँ ने जन्म दिया मजबूरी के कारण, उनका प्यार तो मिला पर अधूरा। रहने के लिए जगह मिली पर अधूरी, पूरा घर नहीं बन पाया कभी। रिश्ते मिले सब अधूरे। गायत्री माँ मेरी जिंदगी में आई और गायत्री माँ आपके आने से मेरी लाइफ पूरी हुई। मैं यहाँ आई, आपको देखा, आपसे सीखा, तब पता चला परिवार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, माँ का प्यार क्या होता है, माँ का दुलार क्या होता है। मेरी मम्मा तो बचपन से ही मुझसे दूर रही और जब मिली तब आपने कभी मम्मा की कमी खलने नहीं दी। माँ आपने हमेशा ही सब कुछ पूरा किया है। अब मेरा दिन आपको देखकर पूरा होता है। आपकी स्माइल से ही मेरी खुशियां पूरी होती है। माँ काजल,
माँ आप दोनों इस वक्त यहाँ? अब मेरे घर में मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा, हाँ, किस वक्त कहाँ जाऊँ, कैसे उठूँ, कैसे बैठूँ, क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ, तुमसे पूछना पड़ेगा मुझे। नहीं माम, तुम हर वक्त अपना टांग क्यों उड़ाती हो हर चीज में? अपने काम से काम रखो ना, अगर ऐसा करती रहोगी तो एक दिन ऐसी मुसीबत में फंसोगी कि ना तुम्हें रौनक बचा पाएगा ना भगवान। सॉरी सॉरी माम। मम्मा एक्चुअली मुझे ना रात को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने बोला था कि मुझे घूमी घूमी करने ले चलो। ओके बेटा। हाँ बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। आपका परिवार आपकी जान है, आपका मान है, और बस यही प्रार्थना करूंगी कि आपका ये परिवार हमेशा आपके साथ ऐसे ही बना रहे, हर जिंदगी में कभी भी ऐसा ऐसे हालात ना आए कि आपको मजबूरी में कुछ करना पड़े या फिर कोई भी फैसला मजबूरन लेना पड़े। आप बस हमेशा खुश रहे, पूरे परिवार के साथ रहे, इसी तरह रहे, यही प्रार्थना है। हमने कहा था बात करने के लिए, तुमने रुला दिया। बहुत बातें हो गई, अब थोड़ा सिंगिया लेते हैं। क्यों खत्म होगा ये फैमिली ड्रामा और मेरा असली ड्रामा शुरू होगा। मुस्कान आज तो बाय बाय। बुढ़िया की वजह से ही हो रहा है, बहुत नाच गाली है सब। अब जल्द ही इस परिवार में महाभारत छिड़ेगी। अरे भाई ये सारी एंजॉयमेंट आप अकेले अकेले मेरे बिना ही कर लोगे?
के गले तो आपने अब लगाया था जब हम सिंगापुर गए थे। छोड़ो तो परिवार के सामने ही सब सबके सामने क्या हो गया थी? ऐसा लग रहा है कि आप हमें बहुत मिस कर रही थी। क्या बात है? और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके अंदर एक तूफान से मचल रहा है और आप किनारा चाहती हैं या ठहरना चाहती हैं। क्या हुआ? नहीं, आप ऐसे अचानक से आ गए, बताया भी नहीं। पक्का यही बात है? और कुछ तो नहीं है ना? नहीं, यही बात है। डैडू, डैडू कैसे हैं आप? एकदम ठीक ठाक हूँ। लेकिन एक छोटी सी शिकायत है। आपकी मम्मी की तरफ देखकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनका ध्यान नहीं रखा। पापा, ये तो खुशी के आंसू हैं। है ना? अब जाके ये घर पूरा लग रहा है तीरथ। वैसे आप एकदम अचानक से आ गए, आपने बताया भी नहीं आप आने वाले। अपने शहजादे से पूछो। मना कर दिया था बोलने के लिए, सरप्राइज आपके लिए इन्होंने कहा था। पूछिए। तो क्या है कि हमने सोचा कि आपके इस खास सुख चैन वाले दिवस को खास बना दे किसी खास इंसान को, मतलब आपके सबसे ज्यादा खास इंसान को बुला के। तो बस हमें लगा कि आपको सुख भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, खुशियां भी मिलेंगी। बुला लिए। एक बात कहना चाहता हूं आज इस मौके पे, दिल कर रहा है। मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू गायत्री। वाह डैडू, आपने तो बम ही फोड़ दिया। वो क्या है कि हम सब भी कुछ कहना चाहते हैं तुझसे। मान वी All love you.